6 अगस्त 2019 को हमने एक महत्वपूर्ण लीडर सुषमा स्वराज को खो दिया। सुषमा स्वराज उन चुनिंदा लीडर्स में से एक रही जिन्होंने पूरी नीयत से देश के हित में काम करा है और पूरी जिंदगी अपने काम से ईमानदारी जताई है। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि सुषमा स्वराज 2014 से 2019 तक मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रही, पर इस पोस्ट के अलावा भी कई पोस्ट पर रहकर वह बहुत छोटी उम्र से हमारे देश के लिए काम करती आई हैं। 7 बार MP, 3 बार MLA और महज 25 वर्ष की उम्र में वो यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी। इसके अलावा वो दिल्ली की 5वीं चीफ मिनिस्टर भी रही। वो अपने काम में इतनी अच्छी थी कि पूरे देश की जनता उनके काम करने के तरीके को और उन्हें बहुत चाहती है। अमेरिकन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सुषमा स्वराज को बेस्ट लव पॉलिटिशियन का भी टाइटल दिया। आइए इनकी कहानी शुरुआत से जानते हैं। सुषमा शर्मा का जन्म 14 फरवरी 1953 को हरियाणा के अम्बाला कैंट में हुआ था। उनके पिता का नाम हरदेव शर्मा और माँ का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी था। उनके पिता RSS के काफी प्रोमिनेंट मेंबर थे। स्कूल की पढ़ाई अच्छे से करने के बाद वो ग्रेजुएशन के लिए सनातन धर्म कॉलेज गई। कॉलेज के दिनों से ही सुषमा का पॉलिटिक्स की तरफ रुझान बढ़ने लगा था। कॉलेज पॉलिटिक्स में उन्होंने एक्टिवली हिस्सा लिया और ABVP के साथ जुड़ गई। कॉलेज पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने के बावजूद भी कभी भी सुषमा ने अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं करा और इसी वजह से उन्हें बेस्ट स्टूडेंट का भी अवार्ड मिला। 18 वर्ष की उम्र में सुषमा ने NCC भी ज्वाइन कर ली, जहाँ इन्हें बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिला। सुषमा आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी, पर उस वक्त लड़कियों को आर्मी ज्वाइन करना अलाउड नहीं था और इसी वजह से वो आर्मी नहीं जा सकी। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद वो पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करने गई और यहाँ आकर भी उनका उतना ही बोलबाला रहा जितना कि पिछले कॉलेज में था। वो इतना अच्छा बोलती थी कि लगातार 3 वर्षों तक स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन में बेस्ट हिंदी स्पीकर का खिताब जीतने में वह कामयाब रही। 1973 में उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी करी और सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस करने लगी। फिर 1974 में JP आंदोलन के वक्त उनकी मुलाकात स्वराज कौशल से हुई और आगे चलकर उन्हीं से इनकी शादी भी हुई। शादी के बाद ही इनका नाम सुषमा शर्मा से सुषमा स्वराज हुआ। स्वराज कौशल सोशलिस्ट लीडर फर्नांडिस से जुड़े हुए थे और फिर सुषमा भी उनकी लीगल डिफेंस टीम में जुड़ गई। इसके बाद उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट में भी एक्टिवली हिस्सा लिया और इसे बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करा। इन्हीं सालों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर ली और फिर वो एक नेशनल लीडर के तौर पर उभर कर आई। 1977 से 1982 तक वो हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर रही। ऐसा कर वो उस वक्त की यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बन गई थी। 27 वर्ष की उम्र में उन्हें हरियाणा में BJP का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया। इसके बाद वो 1987 से 1990 तक हरियाणा की एजुकेशन मिनिस्टर बनी। 1998 में उन्होंने यूनियन कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया ताकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभाल सकें। वो दिल्ली की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी थी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि सुषमा स्वराज ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा काम करा था। इन्होंने ही पहली बार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री घोषित करा था, जिस वजह से फिल्म मेकर्स फिल्म बनाने के लिए बैंक से लोन ले सकते थे और अब उन्हें किसी एक इंसान पर फिल्म बनाने के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ता था। इसके अलावा वो 2003 में हेल्थ मिनिस्ट्री की भी मिनिस्टर बनी, जहां पर उन्होंने 6 एम्स हॉस्पिटल के निर्माण को अप्रूव कराया। 2009 में जब कांग्रेस लोकसभा इलेक्शन जीती थी, तब सुषमा स्वराज लीडर ऑफ अपोजिशन बनी थी। इसके बाद 2014 के इलेक्शन आए और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। कहा जाता है कि जब BJP ने मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए चुना था, तब सुषमा स्वराज BJP के निर्णय से खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें मोदी की कुछ नीतियां पसंद नहीं आती थी। पर समय के साथ दोनों नेताओं के बीच सब कुछ सही हो गया। इसी समय पर सुषमा स्वराज को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया गया और 2019 तक वे इस पोस्ट पर काबिज रही। एक्सटर्नल अफेयर्स के इन 5 वर्षों में सुषमा स्वराज ने न जाने कितने ऐसे भारतीयों की मदद करी जो सीमा पार दूसरे देशों में फंसे हुए थे या किसी मुसीबत का सामना कर रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि इंडियन ऑफिसर अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस इंडिया लाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। 2018 में ही तबीयत अच्छी ना होने की वजह से सुषमा स्वराज ने यह अनाउंस करा था कि वो 2019 के इलेक्शंस में आगे नहीं आ पाएंगी। 6 अगस्त 2019 को हार्ट अटैक के कारण सुषमा स्वराज हम सभी को अलविदा कह गई। वो धारा 370 के हटाए जाने से काफी खुश थी। जाने के कुछ घंटे पहले उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करा और अमित शाह को उनके राज्यसभा के सेशन के लिए बधाई दी। तो दोस्तों, ये थी कहानी हम सभी की चही थी सुषमा स्वराज की। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो पहली बार देख रहे हैं और किसी और वीडियोस देखना चाहते हैं
तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।